हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बीएफएस। बीएफएस मीन्स ब्रेड द फर्स्ट सर्च। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप पे डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। आपकी बीएफएस और डीएफएस दोनों ही आपकी अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक हैं। कौन सी सर्च टेक्निक है? अनइन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि बीएफएस के अंदर आप क्या यूज कर रहे थे, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, क्यू। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? स्टैक। और स्टैक की क्या प्रॉपर्टी होती है? लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो हम लास्ट में एलिमेंट इन करेंगे उसी को हमें पहले आउट करना होता है, इसमें ये खास बात होती है। दूसरा क्या था कि इसके अंदर हम डीप में जाते हैं। ब्रेड फर्स्ट सर्च में हम क्या कर रहे थे कि ब्रेड को एक्सेस कर रहे थे, या हम डीप में जाएंगे, हम एक नोड लेंगे, उसका चाइल्ड फर्दर उसका चाइल्ड, मतलब पूरी डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद हम वापस से उसके बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डीपेस्ट नोड, ठीक है। तो हम जैसे अब डीप में जाते जाते हैं तो हमें क्या पता डेप्थ कितनी है, हो सकता है हमारी अनसर्टेन डेप्थ हो, इनफाइनाइट डेप्थ हो, हम फंस जाएं, या फिर वो बार बार वहीं पे हमें चक्कर कटवाए। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो इनकम्प्लीट मिलता है, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और ना ही ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है, ठीक है, नॉट ऑप्टिमल। नेक्स्ट आता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ बी पावर डी। बी क्या आपका ब्रांचिंग फैक्टर, डी क्या आपका डेप्थ, ठीक है। तो ये थे इसके बारे में बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये कैसे डीपेस्ट नोड को फाइंड आउट करता है और कैसे ये आपका इनकम्प्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर मैंने एक ट्री को लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका क्या एक्सेस होगा? रूट नोड एक्सेस होगा। तो हमने एक स्टैक बनाया, स्टैक के अंदर मैंने क्या पुश कर दिया? ए को पुश कर दिया, ठीक है। तो अभी स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट है तो हम ए को पॉप करेंगे और ए के जो चाइल्ड है उनको पुश कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को पॉप कर लिया, ठीक है, और ए के जगह बी और सी को पुश कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हो गए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सी को एक्सेस करेंगे क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो फिर क्या करेंगे हम, सी को रिमूव करेंगे और सी के चाइल्ड्स को पुश कर देंगे। तो यहां से हम सी पे आए, फिर क्या किया, नेक्स्ट क्या पोजिशन रहेगी आपके स्टैक की, बी और एफ और जी को हमें इसके अंदर पुश करना है। तो एफ जी, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या है, जी, तो जी को पॉप करेंगे और जी को हमने ट्रैक कर लिया, ठीक है। तो जी को पॉप करने के बाद हम देखेंगे जी के चाइल्ड्स हैं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर अब स्टैक का टॉप क्या रहता है, एफ। तो हम क्या करेंगे, एफ को पॉप करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, जी से बैक ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो जी से हम बैक ट्रैक गए और सी से एफ पे आ गए, ठीक है। अब क्या है, एफ के चाइल्ड भी नहीं है तो टॉप क्या बच गया स्टैक का, बी, मतलब हमें फाइनली बी तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ से सी पे वापस बैक ट्रैक करेंगे, सी से ए पे जाएंगे और ए से बी पे जाके बी को एक्सेस करेंगे। तो यहां आपने देखा कि ये पहले पूरी डेप्थ में जा रहा है एक साइड में, फिर बैक ट्रैक करके उसके चाइल्ड को डेप्थ में जाके सर्च कर रहा है, फिर वापस बैक ट्रैक करके सेकेंड साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहां हमने बी को पॉप कर लिया, तो बी के जो चाइल्ड्स हैं उनको हम स्टैक में एंटर कर देंगे, पुश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ई, ठीक है। ये आपने स्टैक में पुश कर दिए। अब क्या करोगे, टॉप कहाँ है, ई पे, तो हम सबसे पहले ई को पॉप करेंगे। तो बी से हम कहाँ जाएंगे, ई पे, हमने ई को एक्सेस कर लिया, ठीक है। ई के फर्दर चाइल्ड्स आपके नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे हम, टॉप कहाँ आ गया अब आपका, डी पे, तो डी को पॉप कर लेंगे। तो पॉप करने से पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ कैसे आके हम डी पे आते हैं, तो ये ऐसे एक्सेस करता है बैक ट्रैकिंग के साथ, ठीक है। फिर आपने डी को एक्सेस कर लिया, तो यहाँ हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर मान लो कि आपके डेप्थ बहुत इनफाइनाइट तक है
तो क्या आप वापस बैक ट्रैक करके जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो ये अगर आपकी इनफाइनाइट डेप्थ होती है तो ये डेप्थ में फंस जाता है और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड नहीं करता? मान लो कि आपका गोल था बी, लेकिन ये डेप्थ में चला गया सी के और बहुत डेप्थ तक जा रहा है। वापस बैक ट्रैक करने में पता नहीं कितना टाइम ले के वापस ये आए बी को एक्सेस करे, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर ये दोनों को पैरेलली एक्सेस करता तो आपका गोल जल्दी फाइंड आउट हो जाता। तो ये था आपका डीएफएस। तो ये यहाँ पे जो हमने एक्सेस किया तो वन ऑफ द सीक्वेंस क्या बन सकती है? वन ऑफ द सीक्वेंस क्या बन सकती है आपकी? ए। ए के बाद हम कहाँ गए थे? सी पे। सी के बाद कहाँ गए थे हम? जी के। जी जी से एफ, एफ से बैक ट्रैक करके बी पे गए थे, बी से ई और ई से वापस बैक ट्रैक करके हम कहाँ गए थे? डी पे। तो ये आपकी एक पॉसिबल सीक्वेंस है। आपकी दूसरी सीक्वेंस भी हो सकती है कि अगर मान लो कि आपने ए से बी और सी को पुश किया, यहाँ पे आप पहले सी और बी को भी पुश कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन ऑफ द सीक्वेंस थी आपकी पॉसिबल जो आपने इनको एक्सेस किया। तो ये था इसके डीएफएस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट सर्च टेक्नोलॉजी। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।